जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। दोस्तों इस चैनल पर हम बताते हैं कि भारत सरकार की तरफ से किन किन लोगों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में कई लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं 10 बड़ी खबरों की, साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि रेलवे की तरफ से क्या नया नियम जो है दोस्तों लागू हुआ है। वहीं आपको यह भी बता दें कि किसानों के लिए क्या बड़ा ऐलान हुआ है भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और भारत सरकार द्वारा की गई हर घोषणा को जानना चाहते हैं तो अभी लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम दोस्तों रोजाना वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम भारत सरकार की हर योजना के बारे में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं आज की ताजा और फटाफट खबरों की तरफ। सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, किसानों के लिए बड़ी खबर। अब इस महीने से आएंगे पीएम किसान स्कीम के तहत 2000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 2000 रुपए आएंगे किसानों के खातों में इसी महीने, साथ ही आपको ये भी बताने वाले कि कैसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम। जी हाँ दोस्तों, किसानों को खेती किसानी के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे देने वाली योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की अगली किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी, यानी 2 माह बाद मोदी सरकार आपके खाते में 2000 रुपए और डालेगी। स्कीम के तहत सालाना 3 किस्त में 6000 रुपए दिए जाते हैं। पीएम किसान स्कीम के सीईओ विवेक अग्रवाल ने बातचीत में बताया कि अगस्त से जो पैसा भेजा जाएगा वो स्कीम की 6ठी किस्त होगी। अब तक इस स्कीम के तहत 9.54 करोड़ का डाटा वेरीफाई हो चुका है, मतलब साफ है कि इस योजना में जो भी पैसा भेजा जाएगा उसका लाभ 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको अभी तक किसान निधि से पैसा नहीं मिला है तो आप भी 2000 रुपये महीना लेना चाहते हैं, यानी कि किस्तों में लेना चाहते हैं भारत सरकार की इस योजना के तहत, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है आगे क्या क्या करना है। बात करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से, इसलिए अपना रिकॉर्ड चेक कर ले ताकि पैसा मिलने में दिक्कत ना हो, रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी होगी तो निश्चित तौर पर आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 1.3 करोड़ किसानों को आवेदन करने के बाद भी इसलिए पैसा नहीं मिला क्योंकि या तो उनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी है या फिर आधार कार्ड नहीं है। जी हां दोस्तों, आधार कार्ड नहीं है तो भी इस योजना से आप पैसा नहीं उठा सकते। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, इन जनधन खातों में आ जाएंगे 500-500 रुपए, पैसा निकालने का यह है नया नियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जनधन खाता है तो उसमें 500-500 रुपए आने वाले, खबर आपके लिए पूरी जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से, आपको बता दें दोस्तों जनधन खातों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आज से 500-500 रुपए की रकम डाली जा रही है। यह रकम केवल महिलाओं के खाते में पहुंचेगी। बता दें लॉकडाउन के बीच गरीबों को राशन और आर्थिक मदद देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ इस महीने भी जनधन खाताधारकों को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खबर आ रही है जनधन खाताधारकों के लिए, खबर को तक जरूर देखें। 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिल चुकी है। इसके तहत पीएमजेडीवाई के महिला खाताधारकों को 500 रुपए की जून माह की किस्त बैंकों में भेजी जा रही है। इसको लेकर भारतीय बैंक संघ ने ट्वीट कर बताया है कि आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। बैंकों में भीड़ से बचने के लिए नीचे वाले समय सारणी अनुसार ब्रांच CSP बैंक मित्रों से रकम ले। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज के तहत पीएमजेडीवाई के महिलाएं अपने खाते के आखिरी नंबर का ध्यान रखें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उसी के हिसाब से ही जो पैसा आएगा उसी के हिसाब से खातों में पैसा डाला जा रहा है। ट्रेन टिकट बुकिंग के बदले नए नियम। जी हाँ दोस्तों, यात्रियों को यह जानकारी देना हुआ जरूरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ट्रेन टिकट बुकिंग कराना चाह रहे हैं और करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है दोस्तों, एक नया नियम आ चुका है, खबर को पूरा देखें। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं विस्तार से, कोरोना संकट के बढ़ते मामलों और एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रेवल करने वाले यात्रियों को अब रिजर्वेशन टिकट फॉर्म से एड्रेस के अलावा और भी जानकारी देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने रिजर्वेशन टिकट फॉर्म में बदलाव किया है, अब यात्रियों को एड्रेस के साथ साथ मकान नंबर, गली, कॉलोनी, शहर, तहसील और जिले की भी जानकारी दर्ज करानी होगी। यात्रियों को डेस्टिनेशन स्टेशन से जुड़ी जानकारी भी काउंटर पर बैठे क्लर्क को बतानी होगी। इन नई जानकारी को दर्ज करने के लिए रिजर्वेशन काउंटर से जुड़े सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। रेलवे के मुताबिक यात्री चाहे रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से टिकट बुक कराएं या फिर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC वेबसाइट या ऐप से, तीनों ही प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी देना अब अनिवार्य है। रेलवे की इस नई व्यवस्था के जरिए कोरोना संक्रमण के रोकथाम में मदद मिलेगी। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की इन सभी जानकारियों को भरने में मात्र 17 सेकंड का वक्त लगेगा। जी हां दोस्तों, तो याद रखें दोस्तों, आप भी अगर टिकट बुक कराने जाने वाले हैं तो ये बात जो है दोस्तों अनिवार्य हो चुकी है, आपको एड्रेस, गली नंबर, मकान नंबर, सारी डिटेल भरना जरूरी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में, इस राज्य में जल्दी महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, जानिए आज कितनी है कीमत। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है और पेट्रोल डीजल के दाम जो है थोड़ी बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, खबर को अंत तक पूरा देखिए, आपको बता दें दोस्तों अनलॉक 1.0 की शुरुआत होने से देश में तेल की मांग में सुधार आए हैं, इसलिए आने वाले दिनों में तेल विपणन कंपनियां इसकी कीमतों में इजाफा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, हालांकि आज इसके दाम स्थिर है, यानी आज ग्राहकों को 1 लीटर पेट्रोल डीजल के लिए शुक्रवार वाली कीमत ही चुकानी होगी। गुजरात में जल्द बढ़ सकते हैं दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुजरात के उप मुख्यमंत्री
मंत्री नितिन पटेल ने कहा था कि राज्य सरकार लॉकडाउन के कारण राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों पर मूल्य वर्धित कर वेट बढ़ाने पर विचार कर रही है। गुजरात सरकार अभी पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 21% कर वसूल कर रही है, इसमें 17% वेट और 4% उपकर है। पटेल ने कहा कि गुजरात में वेट की दरें और ईंधनों की कीमतें दोनों देश में सबसे कम है। उन्होंने कहा गुजरात में ईंधन की कीमतें देश में सबसे कम है क्योंकि हमारा वेट भी सबसे कम है। प्रमुख महानगरों में इतना है दाम। या दोस्तों आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है 71.26 रुपए, 73.30 रुपए, 78.32 रुपए है। वही आपको बात बता दे, डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इनका दाम जो है क्रमश है। दिल्ली के अंदर 69.39 रुपए जो है 1 लीटर डीजल की कीमत है। वही कोलकाता में 1 लीटर डीजल की कीमत 65.62 रुपए। दोस्तों ये थी पेट्रोल और डीजल से जुड़ी बड़ी खबर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। कोरोना प्रभावित देशों में इटली को पीछे छोड़ 6ठे नंबर पर पहुंचा भारत। संक्रमितों की संख्या 236,184 हुई। क्या दोस्तों कोरोना अपडेट आ रही है, सबसे बड़ी खबर आ रही है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत अब इटली को पीछे छोड़ते हुए 6ठे स्थान पर पहुंच चुका है। भारत में कोरोना संक्रमितों का संख्या बढ़कर 236,184 हो चुकी है। बता दें कि इटली में कोविड-19 के कुल 234,531 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि भारत में अब तक 236,657 संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा संक्रमित देश अमेरिका है, जहां 18 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। महाराष्ट्र में 2,436 नए मामले। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। शुक्रवार देर रात आए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में एक दिन में 2,436 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 80,229 हो गई है। राज्य में इस वक्त 42,224 एक्टिव केस है, जबकि 35,156 लोग स्वस्थ अथवा डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस वायरस से 139 और लोगों ने जाने गवाई है, जिसके बाद कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,849 हो गई है। सबसे ज्यादा मामले आर्थिक राजधानी मुंबई से दर्ज किए जा रहे हैं। मुंबई में अब तक 46,080 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो, जिसमें से 1,519 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश शराब कारोबारियों से विवाद में सरकार का बड़ा फैसला, आबकारी विभाग कल से खोलेगा ठेके। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आई है, आपको बता दें लंबे वक्त से जारी शराब कारोबारियों के साथ विवाद में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार रविवार से प्रदेश में शराब की दुकानें चलाएगी, अधिक बिक्री वाली दुकानें कल से खोली जाएगी। आबकारी विभाग ने सरकार से होमगार्ड जवानों की मांग की है। आपको बता दें सरेंडर आवेंडर पर आज होगा फैसला। जी हां दोस्तों, सरकार का विरोध करने वाली शराब कारोबारियों की दुकानों के सरेंडर आवेदन पर आबकारी महकमा आज फैसला लेगा। ठेकेदारों को ठेका समाप्त के नोटिस सौंपे जाएंगे। आपको बता दें कि नई शराब नीति के खिलाफ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, कटनी, रीवा जैसे कई जिलों में शराब ठेकेदारों ने अपने ठेके सरेंडर कर दिए हैं। नए ठेकेदारों को सौंपी जाएगी दुकानें। सरकार ने विरोध को देखते हुए नए ठेकेदारों को दुकानें सौंपने का फैसला लिया है। यह प्रक्रिया 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। कुछ जिलों में यहाँ पुराने ठेकेदार दुकानें चलाने को राजी है, सरकार उन्हें अनुमति दे। आपको बता दें हाई कोर्ट ने सुनाया था फैसला। जी हां दोस्तों, गौरतलब है कि जबलपुर हाई कोर्ट ने ठेकेदारों से विवाद में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने शराब कारोबारियों को सख्त लहजे में कहा था कि सरकार की नीतियों के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं तो दुकान सरेंडर कर दें। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक सभी शराब कारोबारियों को सरकार की नीतियों के हिसाब से काम करना होगा। अगर कोई कारोबारी इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उसे अपनी दुकान सरेंडर करनी होगी। अगली बड़ी खबर दोस्तों किसानों के लिए। जी हां दोस्तों, किसानों के लिए बहुत बड़ा ऐलान हुआ। बात करते हैं इस बड़ी खबर के बारे में। 14 खरीफ फसलों का MSP बढ़ा, किसानों को लागत का 50-83% अधिक भाव मिलेगा। जी हां दोस्तों, किसानों के लिए बड़ा ऐलान हुआ। आपको बता दें दोस्तों, सरकार ने 14 खरीफ फसलों का MSP बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। मोदी सरकार 2.0 के दूसरे साल की यह पहली बैठक थी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में MSP के बारे में जानकारी दी है। तोमर ने कहा कि कोरोना के संकट के चलते लागू लॉकडाउन में भी PM मोदी की प्राथमिकता में गरीब और किसान रहे। इस दौरान सरकार ने किसानों के लिए बड़े फैसले लिए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP फसल की लागत का 1.5 गुना रखने का वादा सरकार पूरा कर रही है। इसके तहत 14 खरीफ फसलों का MSP बढ़ाया गया है। अब किसानों को लागत का 50-83% अधिक भाव मिलेगा। कृषि मंत्री ने किसानों के लिए किए नई घोषणाएं। जी हां दोस्तों, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड। जी हां दोस्तों, 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50-83% की वृद्धि हुई है। किसानों को अपना कर्ज चुकाने के लिए अब अगस्त तक का और समय मिलेगा। कृषि मंत्री ने बताया कि 2020-21 में धान का MSP बढ़ाकर 1,868 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी तरह से ज्वार का MSP 2,620 रुपए क्विंटल, बाजरा का 2,150 रुपए, वही मूंगफली, सोयाबीन,
तिल और कपास की MSP में 50% की वृद्धि की गई। किसानों ने भी इस बार बंपर पैदावार देश को समर्पित किया है। खेती या उससे जुड़े कामों के लिए 3 लाख तक के कर्ज के भुगतान की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले यह 31 मार्च थी। इसके चलते किसानों को बहुत फायदा होगा। इस स्कीम के तहत कृषि कर्ज की ब्याज दर उनके लिए घटकर 4% रह जाएगी। वही आपको ये भी बता दें, बैंक कर्ज पर 9% ब्याज वसूलते हैं। सरकार किसानों को इस कर्ज पर 2% सब्सिडी देती है। इससे किसानों के लिए ब्याज दर घटकर 7% रह जाती है। जो किसान समय पर कर्ज चुकाते हैं उन्हें ब्याज दर में और 3% छूट मिलती है। इस तरह ब्याज दर घटकर 4% रह जाती है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए कृषि कर्ज की सब्सिडी पर खर्च किए थे। इस साल यह रकम और ज्यादा रहेगी।